इटावा जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ कोरोना के 15 मामले सामने आए। वहीं अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। सीडीओ इटावा ने 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की है। वहीं एक दिन में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या से जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। मुख्य विकास अधिकारी आर गणपति राजा ने जानकारी देते हुए कहा कि जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उस जगह को सील कर पूरे एहतियात के तौर पर सभी के टेस्ट कराए जाएंगे और मेडिकल टीम के साथ एसडीएम सदर सीओसिटी ऐसी जगहों पर पूरी नजर रखेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार सील की गई जगहों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की एक साथ बड़ी संख्या ने इटावा जिले की तस्वीर बदल दी है। जिला प्रशासन पहले से ही ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है। देर रात अधिकारियों ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के इलाकों को सील किया। साथ ही शहर के दो प्रतिष्ठित डॉक्टर एमएम पालीवाल और डॉक्टर मन्नू गुप्ता के यहां भी संक्रमित मरीज निकले, जिसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। डॉक्टर मन्नू गुप्ता के अस्पताल पर भी प्रशासन ने पोस्टर लगा दिया है और आसपास के क्षेत्रों का आवागमन बंद कर दिया गया है। ये पालीवाल हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट था 3 दिन के पहले से। उनकी नाम शमीला बेगम था। उनका कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा सैनिटाइजेशन कराया और इनका इधर सैफे में भर्ती करा रहा हूँ रात में। सर, अभी तक इटावा जनपद में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं? आज लगभग 13 मरीज हमको नया मिला है और अभी तक कुल टोटल एक्टिव केसेस 17 था। टोटल पॉजिटिव केसेस 19। सर, और कहाँ किस शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं और की जा रही हैं? इस तरीके के जो इलाके हैं उनमें किस तरीके की और व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा कंटेनमेंट जोन बनी हुई है। एसडीएम साहब को अध्यक्षता में, मतलब एक टीम को माध्यम से, और सीईओ साहब पूरा नजर लेके लगभग 250 मीटर का कंटेनमेंट जोन इधर बनी हुई है और अच्छा सैनिटाइजेशन भी किया गया है और बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। कल सुबह 8 बजे से मेडिकल टीम के माध्यम से घर घर जाके सर्वेलेंस भी किया जाएगा। थैंक यू सर।